Hello students, welcome to distance learning program of Takshashila English Medium School by today's our subject English unit number 3. जो हमारा unit number 3 है उसमें उसका जो name है वो smile और smile उसका name है. तो ये हमारी एक poem दी गई है हमारी book में. So we are going to discuss about a smile. हम smile के बारे में आज learn करेंगे, discuss करेंगे, okay? So ये book में हमारी ये पूरी poem है. उसमें से मैंने कुछ words लिखे हैं, वो learn करते हैं. S M I L E, smile. That means मुस्कान, smile. आप सब भी smile करते हो, हंसते हो. और smile एक ऐसे things है जो दूसरों को भी खुश कर देती है. Q U I T E, quiet. That means ज्यादा. It's quite of this question. ये question कितने ज्यादा है. So Q U I T E, quiet means ज्यादा. F U double N Y, funny. Funny that means मजेदार. हम कहीं सर्कस देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो जॉकर होता है वो कितना फनी दिखता है ना. वैसे ही F U double N Y, funny that means मजेदार. T H I N G, thing that means चीज. कोई भी things हो उसे हम चीज कहेंगे. W R N N K L E, ring card. That means चूड़ियाँ. Line line जो बनती है हमारे फेस में हम जब smile करते हैं या तो हम कहीं धूप में जाते हैं हम सूरज के सामने देखते हैं तो हमारे जो expression होते हैं उस type से हमारे फेस में जो wrinkles होते हैं line line बनती है उसे हम चूड़ियाँ wrinkle कहेंगे. W R I N K L E, wrinkle. Y O U R, your. That means तुम्हारा. This is your pen. ये तुम्हारी pen है. F A C E, face. That means चेहरा. W H E N, when. When means कब. When you are going. आप कब जाओगे. G O N E, gone. That means चला गया. N E V E R, never. That means कभी नहीं. आप कभी भी ऐसे कुछ गलत काम करते हो तो आपसे मम्मी कहती होगी बोल अब ये करेगा तो आप कहोगे नहीं. No, never. मैं कभी नहीं करूँगा. N E V E R, never. F I N D, find. That means ढूंढना. Let's find out. चलो हम ढूंढते हैं. Find. S E C R E T, secret. That means रहस्य. हम टीवी में कोई भी सीरियल देखते हैं तो वो जो सीरियल होती है उसका कुछ न कुछ सीक्रेट तो होता ही है. उसका कुछ रहस्य होता ही है. सीक्रेट, ओके. नेक्स्ट है एच आई डी आई एन जी, हाइडिंग. दैट मीन्स छिपने का, छिपाने का, छिपना वो सब होता है. अगर आप से कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे अपना फेस कभी हाइड कर लेते हो कभी छुपा देते हो अपने हैंड से. उस तरह से हाइडिंग दैट मीन्स छुपने का या तो छिपने का. पी एल ए सी ई, प्लेस मीन्स जगह. टेक योर प्लेस, ऐसा आपसे टीचर स्कूल में कहते होंगे टेक योर प्लेस, आप अपनी जगह ले लो. एफ ए आर, फार. दैट मीन्स दूर. गो अवे, फार. बहुत ही दूर है. W O N D E R F U L, wonderful. That means अद्भुत. आपको कोई भी ऐसी things हो वो बहुत ही अच्छी लगी हो आपको उसे like करते हो तो आप कह सकते हो wow it's very wonderful, ये कितना अद्भुत है. M A K E, make. That means बनाना. कोई भी पिक्चर हो वो आप अपने आप ड्रॉ किया हो तो आप क्या कह सकते हो ये पिक्चर मैंने अपने आप बनाया है. इस तरह से ये स्टूडेंट हमने पूरे वर्ड्स लर्न कर दिए. अब हम उसकी पोयम लर्न करते हैं. ओके, नेक्स्ट हम पोयम रीड करते हैं. सो स्माइल के बारे में, तो स्माइल एक ऐसे छोटी सी मुस्कुराहट है जो कोई एंग्री होता है
और हम उसके सामने स्माइल कर दे तो वो उसका जो गुस्सा होता है वो भी उसके साथ से चला जाता है और वो भी स्माइल हमें देता है, तो इस तरह से वो भी एक खुश हो जाता है। All of you likes to laugh, all of you likes to smile and laughter is best medicine। जो हंसना होता है वो बहुत ही अच्छी दवा होती है, उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। और स्माइल करना सबको पसंद होता है, हंसना सबको पसंद होता है। तो अब हम यहाँ हमारी पोयम लर्न करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। A smile is quite a funny thing। Smile जो होती है वो एक ऐसी funny thing है कि it wrinkles up your face। आप जब smile करते हो तो अपने face पे wrinkles आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती है, line line हो जाती है। आप smile करना और mirror में आप देखना तो आपके face में obviously रिंकल्स दिखाई देंगे। इस तरह से स्माइल जो है वो एक बहुत ही मजेदार थिंग्स है। एंड व्हेन इट्स गॉन, और वो जब चली जाती है, स्माइल आती है और चली जाती है, आप बहुत हैप्पी होते हो तो आप स्माइल करते हो और फिर वो चली जाती है। और वो कैसे चली जाती है वो हमें पता भी नहीं चलता है। You will never find, फिर हम उसे ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि वो कहाँ चली गई। स्माइल आई भी और चली भी गई, वो हम कभी भी ढूंढ नहीं पाते हैं। इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, उसकी सीक्रेट, उसका जो रहस्य होता है, उसके छिपने की सीक्रेट जगह होती है, वो हम फाइंड कभी नहीं कर पाते हैं। उसकी जगह कौन सी है वो हम ढूंढ नहीं पाते हैं कि वो कहाँ छिप गई। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल कैन डू, लेकिन वो एक ऐसे अद्भुत थिंग्स है, वो ऐसी चीज है कि जब हम दूसरों के सामने कभी भी हम स्माइल करते हैं, यू स्माइल एट वन, he smiles at you and so one smile makes two। वो एक ऐसे अद्भुत थिंग्स है, चीज है कि हम जब दूसरे के सामने हंसते हैं तो वो भी हमें स्माइल देता है। तो ये एक अद्भुत बात है, और जब आप किसी के साथ में स्माइल करते हो तो वो भी आपको स्माइल देता है। हमारी जो खुशी होती है वैसे ही दूसरों की भी खुशी होती है। हमको देख के जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे सामने और जो पर्सन होता है वो भी स्माइल करता है। इस तरह से हमें यहाँ पर पूरी स्माइल के बारे में कोई अमलन की फिर से एक बार रीड करते हैं। अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग, वो बहुत ही फनी सी थिंग है, मजेदार थिंग है। इट रिंकल्स अप योर फेस, अपने फेस पे वो रिंकल्स बना देती है स्माइल। एंड व्हेन इट्स गॉन, वो कब चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड, आप उसे ढूंढ भी नहीं पाते हो। इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, उसकी छिपने की एक सीक्रेट जगह होती है। बट फार मोर वंडरफुल इट इज to see what smile can do, you smile at one, he smile at you and so one smile makes two, दूसरों के सामने अब जब स्माइल करते हो तो एक से एक दो हो जाते हैं। इस तरह से सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी पोयम जो है हमने लर्न की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लर्न करेंगे। थैंक यू।